दोस्तों आप जो ये फोटो देख रहे हो ना, यही आपका वेनिला फ्लेवर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मज़े कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। आइसक्रीम तो मोस्टली हर कोई खाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वेनिला, स्ट्रॉबेरी या फिर चॉकलेट फ्लेवर प्रेफर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये फ्लेवर बनाए कैसे जाते हैं? अगर आपको ये बात पता चल जाए कि वेनिला फ्लेवर बनाया कैसे जाता है, तो शायद आप इसको खाना ही छोड़ दें, क्योंकि इसका बनाने का तरीका इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी से बनता है और चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट बीन से बनता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वेनिला फ्लेवर ये किस चीज़ से बनता है? क्या इसका कोई फ्रूट आता है या क्या आता है? तो आज जान के आप शॉक हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा भी स्किप नहीं करना वीडियो को। अगर आपने कर दिया ना तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप मिस कर दोगे। FDA यानी फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात क्लियर की है कि वेनिला फ्लेवर एक एनिमल जिसको हम वीवर कहते हैं, मतलब हिंदी में उसका होता है उदबिलाव, उसकी बॉडी से बनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों वीवर का पेल्विस और टेल के सेंटर से एक येलोइश कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसे हम कैस्टोरम कहते हैं। इसे हिंदी में कस्तूरी भी कहा जाता है। ये थोड़ा येलो सा दिखता है और ये वीवर्स के पेल्विस और टेल मतलब के पूंछ के बीच में पाया जाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, आप ये एनल ग्लैंड्स में होता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये US से सर्टिफाइड हो चुकी है ये वाली बात। और एक और बात, ये पिछले 80 सालों से ऐसे ही बनाया जा रहा है वेनिला फ्लेवर। तो हो गए ना हैरान इस फैक्ट को जानकर। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर किसी जानवर के एक्सक्रीशन से ऐसा फ्लेवर कैसे बन सकता है? तो उसका रीजन ये है कि वीवर से वार्क और लीव्स खाते हैं। वार्क मतलब पेड़ों की छाल और पत्तियाँ। इनका डाइजेशन ह्यूमन बींग से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, जिस वजह से ये ऐसा फ्लेवर प्रोड्यूस कर पाते हैं। दोस्तों वीडियो छोड़ के कहीं जाना नहीं, ये तो जान लो कि ये हार्मफुल होता है या नहीं होता है। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने कभी वीवर की पॉटी खाई है, अरे मेरा मतलब है वेनिला फ्लेवर खाया है कि नहीं खाया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे लिए हार्मफुल है या फिर सेफ है। तो दोस्तों FDA ने ये वाली बात क्लियरली बोली हुई है कि वीवर्स एनल फ्लूड नॉन टॉक्सिक है और बिल्कुल सेफ है। यहाँ तक कि FDA ने वीवर एनल फ्लूड को एज एन इंग्रेडिएंट मार्क किया हुआ है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि ये कैसे बनता है वेनिला फ्लेवर। दोस्तों मार्केट में इसके वेनिला सेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, जाने क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि ये कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अब सोचने वाली बात यह है कि वीवर का एक्सक्रीशन सबसे पहले टेस्ट किसने किया होगा? क्योंकि दोस्तों टेस्ट किया होगा तभी तो पता चला होगा कि वेनिला फ्लेवर है। मुझे ये तो पता नहीं चला सर्च करने पर कि ये सबसे पहले टेस्ट किसने किया था। अगर आपको पता हो, आपको कहीं रिसर्च पर मिला हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो का आपको कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों सबको बताना भी तो है कि वेनिला फ्लेवर बनता कैसे है। और हाँ दोस्तों, अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनका वेनिला फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है।